नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए 3 मैचों की ओडीआई सीरीज को इंग्लैंड ने 3-0 से अपने नाम किया। आज से इन दोनों देशों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। T20 सीरीज से पहले इंग्लैंड के कप्तान ओइन मॉर्गन ने बड़ा बयान दिया है। ओइन मॉर्गन का मानना है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम कॉम्बिनेशन फिक्स करने का ये आखिरी मौका है। इंग्लैंड में अभी भी कई प्रमुख प्लेयर्स मौजूद नहीं है, ऐसे में वो एक बार फिर से अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहेंगे। ओइन मॉर्गन ने कहा कि टीम लगातार प्लेयर्स को रोटेट करती रहेगी और सबको परफॉर्म करने का मौका देगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओइन मॉर्गन ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम अगले 3 मैचों में जितना ज्यादा हो सके कई सारे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। टीम में कई प्लेयर्स को इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर मौका मिलेगा। हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहेंगे। रोटेशन निश्चित तौर पर होगा। हमारा मेन फोकस सभी खिलाड़ियों को मौका देना रहेगा, क्योंकि सबको आजमाने का ये आखिरी चांस है। सबका रोल वही रहेगा, लेकिन टीम में रोटेशन होगा। मॉर्गन ने आगे कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान वो अपनी टीम की डेथ ओवरों की समस्या को दूर करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से हर किसी को डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने का मौका दिया जाएगा। सभी तेज गेंदबाजों को मौका मिलेगा। सबके पास ये चांस रहेगा कि वो इन 3 मुकाबलों में दबाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। सीरीज का दूसरा मैच 18 तो वहीं आखिरी मुकाबला 20 जुलाई को खेला जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।